আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সলাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলুল্লাহ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, मैं आप सब के सब बच्चों का और बड़ों का इस्तकबाल करता हूं हमारे प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम में। आज हम देखने वाले हैं किस चीज के मुतालिक इंशाल्लाह, जन्नत के बारे में। जन्नत के बारे में हमने कुछ बातें अब तक सीखी है, उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों को याद है और आप बच्चों को भी याद है। क्या क्या सीखे आपने बताइए? जन्नत कैसी बहुत है? बड़ी है, बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत है, फर्स्ट बहुत ही अच्छी जगह है। माला आयनुन रात, जिसे आंखों ने नहीं देखा, आंखों ने देखा नहीं, कानों ने नहीं सुना, और दिलों ने कल्बी बशरिन, ना इंसान के दिल में ख्याल आया। इतनी खूबसूरत सी जगह है। नंबर दो, खूबसूरत है लेकिन छोटी सी नहीं है, बहुत बहुत बड़ी है। समावात वल अर्द, आसमान और जमीन जितनी चौड़ाई, अर्द जो होता है चौड़ाई आसमान जमीन जितनी बड़ी। हाँ, तीसरी चीज हमने क्या देखे थे कि जन्नत के अंदर कितने टाइम तक रहने मिलेगा? पूरी जिंदगी हमेशा। वहाँ मौत आएगी नहीं, वहाँ खालदीन फीहा अबदा, हमेशा रहेंगे। तीन बातें हो गई। चौथी बात कि वहाँ क्या मिलने वाला है? जो चाहेंगे वो मिलेगा। हमने किसकी मिसाल देखे थे याद करो? एक चाबुक के सेकंड पॉइंट में था। नहीं, वो तो फर्स्ट पॉइंट में था। इसमें किसकी मिसाल देखे थे? कौन था वो शख्स, क्या चाह रहा था वो? फार्मर। माशाल्लाह, आपको तो अच्छे से याद है। हाँ, फार्मर क्या था उसको, क्या करना था उसको? खेती करना था। हाँ, आप फार्मर है? नहीं, आप फार्मर नहीं है, तो आप खेती करने बोलेंगे? नहीं, आपको जो चाहे ये आपको वो मिलेगा। आपको खेती करना पड़ेगा? नहीं, जन्नत जाके खेती करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। ओके, और बताइए। और वो जैसी बीज डालेगा इतना बड़ा प्लांट उगेगा पहाड़ के जितना। मिसाल हमने देखी। ये हो गए चार पॉइंट्स। पांचवा पॉइंट क्या था कि हमारी बॉडी कैसी होगी? हमारी बॉडी गंदगी से पाक होगी। और फेसेस कैसे होंगे? खूबसूरत होंगे। जो पहला ग्रुप जाएगा उसके उसकी खूबसूरती चांद के जितना होगा, चांद की तरह होगा। और जो सेकंड ग्रुप जाएगा वो स्टार्स, ग्लोइंग स्टार्स की तरह है ना। और वो जो बॉडी होगी उसके ताल्लुक से और क्या आया, क्या एज होगी? बूढ़े लोग होंगे, 33 की एज आई है। और हाइट कितनी होगी? 60। ओके, किसकी तरह? आदम अलैहिस्सलाम की तरह। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, बारकल्लाह। अब वो बॉडी के ताल्लुक से मैं आपको एक और बहुत खूबसूरत सी बात बताने वाला हूँ। ये हदीस सही मुस्लिम में है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना लकुम अन तहयू फला तमूतू अबदन। वो लोगों से कहा जाएगा जन्नत वालों से कि तुम यहाँ रहोगे कभी मौत नहीं आएगी, यहाँ रहोगे कभी मौत नहीं आएगी। वान्ना लकुम तस्खू फला तस्कमू अबदन। तुम वहां सेहतमंद रहोगे कभी बीमार नहीं होगे। बीमारी है वहां पे? नहीं। हाँ, सर्दी हो जाती, सर्दी होगी जन्नतियों को? नहीं। सर्दी हाँ, कभी मालूम है आपको, बीमारी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे गिर गए कहीं से, पांव फ्रैक्चर हो गया, तो ये भी एक टाइप की कमी है, ये भी एक टाइप की बीमारी है। तो जन्नतियों कहीं दौड़ रहे हैं, कहीं कुछ खेल रहे हैं, कहीं गिर के फ्रैक्चर हो जाएगा उनका? नहीं। हाँ, तो जन्नतियों की बॉडी में कोई टाइप का ऐसा ऐब नहीं आने वाला है। हाँ, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वअन्ना लकुम तशिब्बु वला तहरमु अबदन। तुम वहां हमेशा जवान रहोगे, बूढ़े नहीं होंगे। वहां हमेशा जवान रहोगे, बूढ़े नहीं होंगे। वअन्ना लकुम अन तनअमु फला तबइसु अबदन। वहां हमेशा नेमत के हाल में रहोगे, कभी मायूस नहीं होंगे। हमेशा नेमतें रहेगी, कभी मायूसी नहीं होगी। हम देखते हैं कि जन्नत में अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत चीजों का इंतजाम किया है और बॉडीज भी वहां पर बेहतरीन दी है। जन्नतियों को कैसी बॉडी मिलेगी? बेहतरीन, जो बेहतरीन, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दुनिया में लोग ढूंढते हैं कि ऐसा कुछ मिल जाए कि मैं ओल्ड ही ना हूं। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी एज आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेगी, पता है बढ़ते बढ़ते फिर क्या होगा? अगर अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी तो आप जवान होने के बाद में, फिर और स्ट्रांग होने के बाद में, फिर बाद में नीचे आना शुरू होते हैं, ताकत कम होनी शुरू होती है,
ओल्ड मैन बन जाएंगे एक दिन। हाँ आपको पता है, आहिस्ता आहिस्ता करते हुए कुछ तुम एक बहुत ही ओल्ड आंटी बन जाएंगे, पता है आपको, बहुत ही ओल्ड। अगर अल्लाह ने आपको इतनी जिंदगी दी तो आपकी एज उतनी बड़ी होगी और सुफियान भी एक बहुत ओल्ड से अंकल बनेंगे। हाँ हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो कि हमेशा जवान रहे, तो हम कहते हैं ना तरीका, आप जन्नत पहुंच जाओ वहां हमेशा जवान रहोगे, जन्नत पहुंच जाओगे तो हमेशा जवान, वहां पे ओल्ड एज का कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ओल्ड एज का, ओल्ड पर्सन का कोई प्रॉब्लम नहीं जन्नत में। ओके माय माय चिल्ड्रन, ये बहुत अहम बात हमने देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट आज के लिए। पता है आपको दुनिया में बहुत सारे लोग क्यों जन्नत का रास्ता छोड़ देते हैं? बहुत सारे लोग, क्योंकि शैतान भड़काता है, शैतान भड़काता है बहुत सारे लोग, उन लोगों को डिफिकल्ट लगता है, कम मिलता है और डिफिकल्ट रखता है, और डिफिकल्ट लगता है करेक्ट, और अगर हम लोग गुनाह करेंगे तो उनको ज्यादा मिलेगा करेक्ट, वो ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं ज्यादा के चक्कर में, और पता है आपको लोगों को क्या है, पैसा चाहिए पैसा, ये पैसा है मुझे, ये पैसा 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 चाहिए, और पैसे के चक्कर में ना बहुत से लोग बोलते हैं सही बात देखते हैं, अल्लाह के बारे में सही बात समझते हैं, समझ में आता है कि मैंने अपने आप को नहीं बनाया, आपने बनाया अपने हैंड को नहीं, नहीं बनाया, सही बात है ना, ये सबको समझ में आता है। अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है अज़ाहिर, अज़ाहिर यानी जो क्लियर है, ओपन है, मतलब ये सब सही बात जो है ना, ऐसा नहीं कि बहुत सोचना पड़ता है, बहुत बड़ी जीनियस को समझ में आएगा, सबको समझ में आती है बात कि आसमान और जमीन को किसने बनाया, कोई बनाने वाला है कि नहीं है, है, है। किसी ने बनाया तो बनाना, हाँ ये टेबल खुद से आया यहाँ पे, नहीं, नहीं। किसी ने रखा तो आया ना, तो आसमान और जमीन खुद से बन गया, तो ये बात समझ में आती है, लेकिन क्यों नहीं मानते मालूम है, पैसा, बोले मेरा पैसा मेरा लॉस हो जाएगा, फिर कितने सारे लोग हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका उनको समझ में आ जाता है, क्यों नहीं मानते, लोग क्या बोलेंगे, लोगों के चक्कर में, ये सब लोग हैं, बोले सबको खुश करो, और लोगों को खुश करने के चक्कर में अल्लाह को भूल जाते हैं, नाराज करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा हकीकत है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज इस उम्मत का है ना, मनी है, मनी, पता है आपको क्यों लोग हराम चीज करते हैं, पैसे के लिए, पैसे के लिए, और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का फितना माल है, क्या है, माल। अच्छा अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी आपके पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे, है बहुत सारे पैसे हैं, ज्यादा पैसे हैं यूसुफ, अभी तो आप पैसे के पीछे भागना शुरू नहीं किए हो, लेकिन एक वक्त आएगा कि पैसे के लिए कोशिश करनी होगी, हलाल पैसे, देखिए हलाल पैसे भी कमाना है ताकि दुनिया में जरूरत पूरी करे, लेकिन पैसे के गुलाम नहीं बनना, नहीं बनना, लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं, उन्हें किसका गुलाम बनना चाहिए, अल्लाह का गुलाम बनना चाहिए। तो मैं आज आपको जन्नत में एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो कोई अगर सोच ले समझ ले तो वो पैसे के चक्कर में नहीं आएगा, मतलब पैसे का गुलाम नहीं बनेगा इंशाल्लाह। एक बहुत ही प्यारी सी हदीस है, ये हदीस सुनन तिर्मिदी मुस्नद अहमद में, हदीस सही सनद से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा गया, अल जन्नतु मा बिनाउहा, जन्नत क्या चीज से बनी है, जन्नत क्या चीज से बनी है, सवाल पूछा जन्नत जो बनी है क्या चीज से बनी है, क्या आपको मालूम है क्या चीज से बनी है, सुनिए ये, काला लबिनतु मिन फिद्दा व लबिनतु मिन ज़हब, एक ईंट चांदी की और एक ईंट सोने की, चांदी की ईंट सोने की ईंट, अल्टरनेट अल्टरनेट ईंट है, जन्नत क्या चीज से बनी है, जो ईंट हमारे यहाँ कौन से कलर की होती है, लाल, वो तकरीबन रेडिश ब्राउन कलर की कलर होता है ना, तो वैसी ईंटों से नहीं बनी है जन्नत, जन्नत बनी है चांदी की ईंट और सोने की ईंट, चांदी की ईंट सोने की ईंट, चांदी सोना ऐसी ईंटों से बनी हुई जन्नत। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो मिला तो हल मिस्क, और जो उसके बीच का जो सीमेंट है वो मुश्क है, उसके बीच का जो सीमेंट है मुश्क है, मुश्क थोड़ा भी हो तो बहुत कॉस्टली होता है, वो मिला तो हल मिस्कुल अजफर, सबसे भारी क्वालिटी का मिस्क, वो भी नॉर्मल मुश्क नहीं, भारी क्वालिटी का मिस्क। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह हसबाउ हल्लुल वल याकूत, जो जन्नत के अंदर जो कंकर है ना, कंकर पेबल्स होते हैं ना पेबल्स, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लुल वल याकूत, वो पर्ल्स और रूबीज, जो पर्ल्स होते हैं ना, पर्ल्स, पर्ल्स को क्या बोलते हैं उर्दू में, जो पानी में मोती होते हैं ना, मोती और जो रूबीज जो बहुत प्रेशियस स्टोन्स होते हैं उसके होंगे, हाँ कंकर जो होंगे जन्नत के
जो यहाँ पे हम देखते हैं पत्थर के मिट्टी के जो कंकर होते हैं ना, वहां पे कंकर क्या चीज होंगे, लूलू वल याकूत, और यानी कि पर्ल्स और रूबीज, हाँ, के पत्थर होंगे वो कंकर होंगे जमीन पर बिछड़े हुए होंगे, सोचो कितनी प्रॉपर्टी है। और हम क्या देख रहे हैं, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तुर्बतुहा ज़ाफ़रान, वहां की मिट्टी ज़ाफ़रान होगी। आप लोगों ने ज़ाफ़रान देखा है कभी? हाँ। ज़ाफ़रान, हाँ, ज़ाफ़रान की छोटी सी डब्बी होती है, बहुत कॉस्टली होती है, और जन्नत की पूरी मिट्टी जो होगी वो ज़ाफ़रान की होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी जगह पर जो ज़ाफ़रान और जो पर्ल्स और याकूत उसके कंकर है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे कहा, क्या फरमाया सुनिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जस्ट एक मिसाल के तौर पर है, सुनन तिर्मिज़ी की सही हदीस है, मा फिल जन्ना शजरतुन इल्ला वसाकुहा मिन ज़हब, जन्नत में जो पेड़ है ना, पेड़ मालूम है, ट्री, उसका जो तना होगा, तना यानी ट्रंक, जो पेड़ का जो खड़ा होता है ना तना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मिन ज़हब, वो सोने का होगा। हाँ, वो क्या चीज का होगा, सोने का, सोच सकते हो। और यहाँ पे दुनिया में लोग थोड़े से दुनिया के पैसे के लिए क्या करते हैं, लोग अपनी आखिरत को बेच देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, थोड़े से दुनिया के फायदे के लिए जन्नत को छोड़ देते हैं। काश कि उनको पता होता कि जन्नत में कितना बड़ा इनाम अल्लाह ताला ने उनके लिए तैयार रखा है अगर सही रास्ते पे चले तो। सोचो आज क्या होता है मालूम है, थोड़े से सोने के लिए, थोड़ी सी चांदी के लिए, थोड़े से पैसे के लिए लोग क्या करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत चीजें करते हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं थोड़े से फायदे के लिए। अच्छा, जब दुनिया से जाते हैं तो लेके जाते हैं वो नहीं, नहीं, पैसा वगैरह सब जाता है, कुछ काम नहीं आएगा उधर, हाँ, जाता है, नहीं जाता है। काश के वो लोग ये बात समझ जाते तो कितना बड़ा फायदा होता उनका, हाँ, कि दुनिया की चीजों के पीछे जाकर अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करो, मत करो, हाँ, मत करो। आप लोग करेंगे? नहीं, करेंगे आप लोग? नहीं। आज आप लोग छोटे हैं, आप लोग पैसे के पीछे इतना नहीं हो, बच्चे होते हैं ना ज्यादा पीछे होते हैं क्या चीज के मालूम है, टॉयज, चॉकलेट, ये सब चीजों के पीछे होते हैं, कपड़े वगैरह, हाँ, चीजें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे बड़े होते हैं ना, तो वो लोग पीछे पड़ने लगते हैं पैसों के, बोले पैसा चाहिए मुझे, पैसा चाहिए, पैसा और पैसा और पैसा, बहुत पैसा और चाहिए और चाहिए। तो पैसे के चक्कर में आकर उसकी इबादत करने लगते हैं, पैसे को अपना खुदा बना देते हैं, पैसा जो कहता है पैसा 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 वो ही करते हैं। लेकिन ऐसा करेंगे तो किसका नुकसान होगा, हाँ, उनका खुद का नुकसान होगा, है ना। तो जन्नत में है कि नहीं है पैसा, सोना चांदी क्या चाहिए आपको, हीरे जवाहरात क्या चाहिए आपको, और ये भी नहीं भूलना है कि जो आपको चाहिए वो भी मिलेगा, मतलब आपको कोई चीज खास चाहिए ऐसी चाहिए वो भी मिलेगी इंशाल्लाह, है ना। तो हम लोगों को समझदारी का काम करना है, नहीं करना है इंशाल्लाह, याद रखेंगे आप ये, कभी आपके दिल में चाहता है ना पैसा पैसा, तो क्या याद करना, जन्नत के अंदर ईंट ईंट क्या चीज की बनी है, सोना चांदी। पता है आपको, हम लोग इस्लामिक प्रोग्राम करते हैं, उसके अंदर लोगों को कहते हैं आओ आओ, कुछ कुरान की बात सुनो, कुछ हदीस की बात सुनो, बहुत कम लोग आते हैं, हाँ, बहुत कम लोग आते हैं। ज्यादा लोग अगर कोई पैसा की चीज हो, पैसा मिलेगा आओ, अगर हम लोग ये बोल दें कि हर आने वाले को एक ईंट देंगे, एक ईंट सोने की देंगे, सोने की एक ईंट, सोने की एक ईंट देंगे, तो कितने लोग आएंगे, पूरी दुनिया, बहुत लोग आ जाएंगे, बोले आने वाले को हर एक को एक एक ईंट मिलेगी, तो आएंगे नहीं आएंगे लोग, आएंगे, हाँ, बहुत सारे आ जाएंगे, जगह नहीं बचेगी, हाँ। लेकिन हम लोग छोटी सी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बड़ी बात कर रहे हैं, हम लोग एक ईंट की बात कर रहे हैं, जन्नत में एक ईंट है, दो है, पांच है, दस है, जन्नत कितनी बड़ी है, क्या चीज से बनी है, सोना और चांदी की ईंट। खाली सोना सोना होता तो थोड़ा सा बोरिंग लगता ना, खाली सब सोना, खाली चांदी चांदी लगता है तो भी थोड़ा बोरिंग दिखता है, इसलिए दोनों की ईंट, चांदी की ईंट, फिर सोना, फिर चांदी, कितना ब्यूटीफुल लगेगा, सोच सकते हैं आप, सोच सकते हैं, नहीं, जो सोच सकते हैं ना उससे बहुत अच्छा है, हाँ, याद रखेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब हम अगली बात करने वाले हैं जन्नत के अंदर नहरों के बारे में, जन्नत में रिवर का मतलब नदी, अब ये नदी जो होगी, वो जो नदियां होगी, जो रिवर्स होंगे, जो नहरें बहेगी, वो जो नहरें बहेगी वो क्या चीज की होगी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सूरह मोहम्मद की आयत है, अल्लाह ताला ने हमें बताया मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून, उस जन्नत की मिसाल जिसका वादा किया गया है अल्लाह से डरने वालों के लिए, तकवे वालों के लिए, तकवे वालों के लिए वादा है, किसने किया वादा, अल्लाह ने किया वादा, हाँ, किन के लिए वादा किया, तकवे वाले, तकवे वालों के लिए, किन के लिए किया, तकवे वाले, अल्लाह से
डरने वालों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए, डरने वालों के लिए क्या वादा किया? अल्लाह ताला ने बताया कि उसके अंदर फीहा अनहारु मिन माइन गैरी आसिन, उसमें पानी की नहरें हैं जो पानी कभी खराब नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश क्लीन नाइस वाटर। हाँ, वा अनहारु मिन लबनिन लम यतगैर तामुहु, और दूध की नहर। सोच सकते हो आप, मिल्क की क्या है, दूध की नहर। तो दूध की शॉर्टेज है, शॉर्टेज है, कमी है दूध की, पूरी नहर बह रही है वहां दूध की कमी होगी। और ऐसा दूध जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया लम यतगैर तामुहु, उसका टेस्ट कभी चेंज नहीं होगा। मतलब कौन बताएगा? मतलब खराब खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा, मतलब खराब नहीं होगा। तो दूध की नहर होगी, ऐसा दूध जो कभी खराब नहीं होगा। वानहारु मिन खमरिन लज्जतिल शारिबीन, और शराब की नहर, लेकिन ये कौन सा शराब होगा? लज्जतिल शारिबीन, जिसके अंदर लज्जत होगी और नशा बिल्कुल नहीं होगा, जैसे कि आगे आने वाला है हम देखते हैं। वानहारु मिन असल मुसफा, और बहुत ही अच्छा प्योर हनी। हाँ, बहुत ही प्योर शहद। आपको पता है प्योर शहद बहुत मुश्किल से मिलता है, कैसे तैयार होता है, बीज जाकर तैयार करते हैं, वो शहद की नहर होगी ब्यूटीफुल। हाँ, कितनी ब्यूटीफुल लगेगी। तो एक वाइट कलर की नहर, दूध की, पानी की नहर, शराब की नहर, और हनी की नहर, शहद की नहर। तो अल्लाह ताला ने बताया कि नहरें होगी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में चल रहे थे मेराज की रात में, अल्लाह ने उन्हें सैर कराया था रात तो, में सोते सोते मेराज की जो रात में रियल बॉडी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सफर कराया, और सफर के अंदर ये चीज अल्लाह ताला ने बताया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्यों बताया? ताकि वो आकर हमें बताएं, और ताकि हम ये बात समझ करके इंशाल्लाह ईमान लाकर उस पर अमल करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे तो एक ऐसी नहर, हा फताहु किबाबुद्दुर्री, जिसके दोनों साइड पर ऐसे टेंट्स थे जो हॉलो टेंट्स, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन सी नहर है, जिब्रील से कहा। तो जिब्रील ने कहा हाज़ल कौसर, ये कौसर की नहर है। कौसर जो, कौसर की जो नहर है वो जाकर, वो जन्नत की नहर है, और वो नहर कयामत के दिन जाकर एक हौज बनती है, एक पॉन्ड, जिसमें से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर से जामे कौसर पिलाएंगे अपने उम्मतियों को। तो ये कौसर की जो नहर है, ये सुनो जरा क्या बात है इसके अंदर। जिब्रील ने कहा हाज़ल कौसर अल्लज़ी आताका रब्बुका अज़्ज़ा वजल्ला, ये कौसर है जो तुम्हें तुम्हारे रब ने आप पर अता किया। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़ाला फ़दफ़रतु बियदी फ़इज़ा तीनुहु मिस्कुन अज़फ़र, मैं अपना हाथ उसमें अंदर डालूंगा तो उसके अंदर जो मिट्टी होगी वो जैसे मिस्कुल अज़फ़र, जो बेहतरीन किस्म का मुश्क होगा वो वैसा होगा, वो मिट्टी, हाँ वो मिट्टी जो होगी उसके अंदर की वो बेहतरीन किस्म का मुश्क होगा। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया, ये हदीस सही बुखारी में है, और एक और हदीस है जिसमें आता है अल-कौसरु नहरुन फिल जन्ना हाफताहु मिन ज़हब। अल-कौसर ये एक नहर है जन्नत की, जिसकी जो साइड के जो शोर्स है ना वो सोने के बने हुए, जो उसका जो किनारे हैं वो क्या चीज के बने हुए, सोने के बने हुए। वो गुजरती है, वो मजरा हुआ अलग दुर्री वल याकूत, गुजरती है पर्ल्स यानी मोतियों के ऊपर से, और याकूत के ऊपर से यानी रूबीज के ऊपर से गुजरती है। तुर्बतुहु अत्यबु मिनल मिस्क, उसके अंदर जो मिट्टी है वो मिश्क से भी बेहतर है। अत्यबु मिनल मिस्क मतलब मुश्क से भी अच्छी खुशबू होगी उसकी। वमाहु अहला मिनल असल, मेरे बच्चों ये जान लो, ये क्यों जानना जरूरी है कि हम लोगों को उम्मीद है कि हम कयामत के दिन अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर पिए, हौज़े कौसर पर जामे कौसर पिए। वो जो कौसर है ये नहर है जो बह रही है जन्नत में, ये जाकर जमा होती है एक एक पॉन्ड की शक्ल में, एक एक बहुत बड़े तालाब की शक्ल में कयामत के दिन जमा होगी, और वहां से हौज़े कौसर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को जामे कौसर पिलाएंगे। एक्चुअली क्या होगा ना, कयामत के दिन बहुत ज्यादा प्यास लगेगी लोगों को, बहुत सख्त प्यास होगी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये प्यास बुझाने वाली सिर्फ एक चीज होगी, वो है हौज़े कौसर से जामे कौसर। वो जामे कौसर जिसको मिलेगा उसकी प्यास बुझेगी, नहीं तो सब लोग प्यासे के प्यासे रह जाएंगे। अब ये जो पानी है ये कैसा है सुनिए जरा, वो मा हु अहला मिनल असल, ये जो इसका पानी है ये शहद से भी ज्यादा मीठा होगा, शहद से भी ज्यादा मीठा होगा। वो अबयदु मिन थल्ज, वो स्नो जो होता है, जो बर्फ जो होता है, जो आसमान से सॉफ्ट वाला जो बर्फ गिरता है, उससे भी ज्यादा सफेद होगा उसका पानी, उससे भी ज्यादा सफेद होगा। तो आप लोगों ने पांच नहरों के बारे में सीखा, कौन पांचों नहरों का नाम बोल सकता है आप सब में? चलो
एक बॉय को चांस देंगे, एक गर्ल को चांस देंगे। आपने पहले हाथ उठाया इसलिए आपको मिलेगा। बोलिए। सबसे पहले पानी की नहर, पानी, उसके बाद दूध की। हाँ दूध, कौन सा दूध? मीठा दूध जो कभी खराब नहीं होगा। वेरी गुड माशाल्लाह। और फिर शहद की। हाँ। फिर शराब की जिसमें नशा नहीं होगा। ओके, थर्ड शराब। हाँ। और फोर्थ शहद। शहद। और फिफ्थ कौन सी नहर के बारे में देखा आपने? जामे कौसर। जामे कौसर जो, ओके, वो कैसा होगा? उसका पानी शहद से भी मीठा होगा और उससे प्यास मिटेगी। ओके, पांचों आप बताएंगे। स्टार्ट फर्स्ट। ओके चलो स्टार्ट तो करो। आपने सेकंड पहले बता दिया दूध। हाँ, कौन सा दूध? जो कभी खराब नहीं, जो कभी खराब नहीं होगा। और शराब की, शराब की जिसमें नशा नहीं होगा। और शहद की, शहद की। आप तीन बताए, एक रह गई नहर का नाम, कौन सी नहर है? चलो लास्ट पानी, पानी की। वेरी गुड। और पांचवी नहर कौन सी? सब्बे। हाँ, हौज़े कौसर। जो हौज़े कौसर नहीं, ये नहर होगी तभी। हौज किसे कहते हैं? पॉन्ड को। वो कयामत के दिन के मंजर में है। ये जो नहर होगी, ये नहर कौन सी होगी? कौसर की नहर। इसका कलर क्या होगा? व्हाइट, व्हाइट से भी ज्यादा। हाँ, स्नो से भी ज्यादा व्हाइट। तो आपने माशाल्लाह सब सही बताया, आपके लिए भी एक पेंसिल। ओके, तो हम ये देखते हैं कि एक और हदीस है जिसमें आता है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना फिल जन्ना बहर अल मा व बहर अल असल व बहर अल लबन व बहर अल खम्र। जन्नत में समंदर होगा शहद का, समंदर होगा पानी का, समंदर होगा दूध का, समंदर होगा शराब का। तो शक्कुल अनहारु बादु, वो समंदर में से ये नहरें निकलेगी। ये जो नहरें निकलेगी वो कहां से? वो समंदर में से निकलेगी। तो हम देखते हैं कि समंदर भी होगा और दरिया भी होगी, जैसे कि ये हदीस में आता है, ये तिर्मिजी में हदीस सही सनद से है। तो मेरे बच्चों, आज हमने जन्नत के बारे में ये क्या क्या सीखा बताइए। चलिए आज क्या सीखा? जन्नत बहुत बड़ी। बहुत बड़ी तो पहले सीखे थे। हाँ, और क्या आज क्या सीखा आपने से, कौन बताए? लोग पैसे के पीछे लगते हैं, पैसे के पीछे लगते हैं। हाँ, और ये उनको समझाने के लिए क्या सिखाया आपने। और मैं आपको बता दूं, आप सब बच्चे भी इंशाल्लाह बता सकते हैं किसी को, लेकिन आप पहले खुद तो समझ जाओ। आप खुद समझ गए तो किसी को बता सकते हो इंशाल्लाह। जो पैसों के पीछे हो उसे बता सकते हैं। और कभी आप बड़े हो रहे हैं, किसी के सामने बात रखें कि देखो पैसे के पीछे हमें नहीं जाना है, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। क्यों पैसे को नहीं फॉलो करना है? उसकी बहुत खूबसूरत सी वजह कि पैसे का भी नुकसान है उनका। हाँ? क्योंकि आखिरत के दिन पैसे काम नहीं आएंगे जी, क्योंकि जन्नत अगर जो पैसे के पीछे जाएगा, हमको उसको जन्नत के बारे में बताना चाहिए कि हाँ, लेकिन जन्नत के लिए क्या चीज बताऊंगे जो पैसे के पीछे? जन्नत, सोना, सोना, सोना चाहिए मुझे कि जन्नत कैसे बनी है, कैसे बनी है, क्या चीज से बनी है? सोने और चांदी की ईंटें से। ईंट से। ईंट कौन से कलर की नॉर्मली होती है दुनिया में? रेडिश ब्राउन जो होती है। लेकिन जन्नत के अंदर ईंट क्या चीज की होगी? सोने और चांदी। सोने और चांदी। बताएंगे आप किसी को इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। और क्या बता, हमने देखा था और क्या चीज सोने का है? ट्रंक, झाड़ का ट्रंक। हाँ, और वहाँ पानी में पर्ल्स, पानी के पीछे, पानी के नीचे जो पानी बह रहा है वो कौन सी दरिया के बारे में है? वो कौसर। कौसर, बिल्कुल सही। उसके नीचे क्या है? कौसर। हाँ, पर्ल्स और रूबीज। नहीं, उसके अंदर पर्ल्स और रूबीज है ना। और आमतौर पे जो कंकर है जन्नत के, जो कंकर है, क्या चीज के हैं वो? पर्ल्स और रूबीज के। अल्लाह अकबर, कितनी कीमती चीजें हैं वहां पर। हाँ, तो मेरे बच्चों ऐसी जगह तैयार है। ये सब जो बातें हम कर रहे हैं ना, थियरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, मतलब रियल है। ये कहानी नहीं है, ये रियल है। ऐसी जगह है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा भी और हमें बताया कि ऐसी जगह रेडी है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए अच्छे काम करने होंगे। और अल्लाह ताला क्या बदला नहीं देगा? क्या नेक काम करोगे और कुछ बदले में नहीं देगा अल्लाह ताला? देगा। हाँ, क्या एक्सपेक्ट करते हो अल्लाह से? कि अल्लाह ताला हर चीज देखता है, जानता है, फरिश्ते रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट में क्या अल्लाह ताला बदला नहीं देगा? देगा। तो अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को बनाया, देखो देखो इतने बड़े आसमान और जमीन को बनाया, वो भी थोड़ी सी जिंदगी के लिए। तो असल जो जिंदगी है, हमेशा हमेशा की जिंदगी है, क्या वहां अल्लाह ताला नहीं देगा? देगा, देगा। ये जो सारी चीजें हमने देखी, ये रियल है, ये हो रहा है, ये तैयार है। सवाल ये है कि हम वहां पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं।
तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि ऐसे काम हम करें, ऐसा ईमान लाएं, ऐसे अमल करें कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नत पहुंचा दे। इसी दुआ के साथ हम खत्म करते हैं आज का प्रोग्राम। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।